आप सब होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बज रहे हैं, नाश्ता बनाने का टाइम है। जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ नाश्ता, और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ कि मुझे आज अपने बालों में कलर भी करने हैं। कलर तो मैं नहीं करती, बस मेहंदी लगाती हूँ। तो झट से नाश्ता मैं बना के आप लोग से मिलती हूँ, मेहंदी लगाऊंगी, देन मैं आप लोग से बात भी करूँगी, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, बहुत दिनों बाद ही करती हूँ, मैं रेगुलर कोई वीडियो अपलोड नहीं करती। और मैं ये भी बता दूँ कि मेरे आधे सामान शिफ्ट हो चुके हैं, जिनका वीडियो मैंने शूट किया है, मैं आप लोग को इस क्लिप में उसको ऐड कर दूँगी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी मैं झट से नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और चने की सब्जी। तो पहले मैं नाश्ता बना लूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। बाय गाइस, नाश्ता हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ बालों में अपने मेहंदी लगाने। अभी हल्के हल्के कलर हैं, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ मैं लगा लूँ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ यहाँ से जाना है, तो फिर वहाँ मैं बिजी हो जाऊँगी तो नहीं लगा पाऊँगी। सो मैंने सोचा अभी मैं इसे सेट कर लूँ अच्छे से, और कटिंग भी करने है। पहले मैं मेहंदी लगा लूँ, फिर मैं कटिंग खुद से कर लूँगी, क्योंकि मुझे आता है वो चीज़। अभी फ़िलहाल मैं मेहंदी लगा के आप लोग से मिलती हूँ। गाइस, मैंने मेहंदी लगा ली अपने बालों में, और मैं हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि कलर करने से बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो मैं सिर्फ हमेशा ही मैं सिर्फ और सिर्फ मेहंदी ही लगाती हूँ, क्योंकि मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके कलर जो आते हैं, एक आता है ब्लैक और एक आता है मेहंदी में मैरून। सो मैं मैरून ही हमेशा यूज़ करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को ये बताने वाली थी, जो मैंने आज नाश्ते में मैंने बनाया पूड़ी और काबली चने की सब्जी, उसका मैंने रेसिपी डाल दिया है शॉर्ट्स में, आप जाके उसकी रेसिपी देखना। और पता है बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था सब्जी काबली चने। आप प्लीज़ जाके उसे देखना और एक बार उसे ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करना कि कैसा है कैसा नहीं, कि जो भी मैंने मसाले डाले हैं। मैं गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और क्या है कि मैं मतलब जो हेयर है वो वॉश करके सो गई थी, इतनी अच्छी नींद आ गई थी कि मैं सो गई थी। और अभी मैंने कर लिया, ये देखो मेरे हेयर बहुत अच्छे शाइन कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, होप करते हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, आई थिंक 10 दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी थी। बिजी किस काम में थी, अभी लाइट नहीं है, लाइट रहता तो मैं आप लोग को दिखाती कि मैं किस कामों में बिजी थी। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सो ये देखो आप लोग, पूरा बिखरा पड़ा है पूरा। अभी इतने सामान अभी और है ले जाने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ऊपर से, ऊपर में है, गाड़ी आ चुकी है और अभी ये सामान गाड़ी में शिफ्ट होंगे। अभी ड्राइवर ने फ़ोन किया था कि कहाँ आना है, एड्रेस बताइए। तो अभी वो गए हैं गाड़ी वाले को लाने के लिए। और पता है मैंने अभी तक पानी वगैरह, और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। नींद तो बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो है। शायद गाड़ी वाले अंकल आ गए, तो सामान पहले मैं शिफ्ट करवा लूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। ठीक है, हर सामान हम लोग गाड़ी में शिफ्ट कर चुके हैं, और अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, तो वो दूसरे ट्रिप में चले जाएंगे। रुको मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए पूरा ये खाली हो चुका है, यहाँ पूरा सामान रखा हुआ था, फिर अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा है। ये अभी वहाँ है कुछ सामान गेट के पास, अभी ये जा रहा है। देखो पूरा घर कचरा हुआ पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है पूरा घर।
हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग बक्सर में ही है, थोड़ी देर में बक्सर से बाहर निकल जाएंगे। इन्हें देखो, ये पूरे दिन मोबाइल में ही पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखो मोबाइल में क्या करते हो पूरे दिन मोबाइल में? क्या करते हो पूरे दिन मोबाइल में? हम तो ये करते हैं पूरे दिन मोबाइल में।